ऊना में घरों में सफेदी करने वाला संजीव कुमार पेंटर करोड़पति बन गया है। इस पेंटर ने इस दिवाली का लकी टिकट खरीदा था, जिसके बाद रातों रात इसकी किस्मत पलट गई और अब ये करोड़पति बन गया है। संजीव कुमार ने इस पैसे को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए और अपना कारोबार शुरू करने के लिए संभाल कर रखने की बात कही है। परिवार में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया जा रहा है। लॉटरी निकलने से परिवार के लोग काफी खुश हैं। एक पुरानी और मशहूर कहावत है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये कहावत हिमाचल के जिला ऊना के चरुड़ू गांव में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति पर सही साबित हुई। पेंटर का काम कर अपने परिवार को पालने वाला ये व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन गया। उन्हें 2.5 करोड़ की लॉटरी लगी। पीजीआई में अपने बेटे को चेक करवाने के बाद लौटते वक्त उन्होंने नंगल के एक लॉटरी विक्रेता से चरुड़ू निवासी संजीव कुमार ने पंजाब स्टेट की दिवाली बम्पर लॉटरी का 2 टिकट 500-500 रुपए में खरीदा था। एक टिकट इन्होंने लिया और दूसरा इनके बेटे अरमान ने लिया। बेटे ने जो टिकट खरीदा था उस टिकट नंबर A411577 नंबर की लॉटरी को प्रथम इनाम 2.5 करोड़ का निकला। संजीव ने बताया कि वे लोगों के घरों में पेंट पर सफेदी कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। उनके परिवार में एक बेटी एक बेटा पत्नी और पिता हैं। उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदते समय नहीं सोचा था कि इतना बड़ा इनाम निकलेगा। जब लॉटरी वाले का फोन आया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लॉटरी निकलने की बात इन्होंने परिवार को बताई, लेकिन सच्चाई का पता लगाने के लिए वे खुद लॉटरी विक्रेता के पास पहुंचे और पूरी जांच की। फिर उन्हें यकीन हुआ कि उनकी लॉटरी निकली है। उन्होंने इस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाई व करियर बनाने व अपने कारोबार को सेट करने के लिए संभाल कर रखने की बात कही है। किस तरह का महसूस कर रहे हैं? ठीक है जी, खुशी हुंदी है जी। कोई भी है चीज जितना इनाम लग गया खुशी है इस गल दी। हाँ जी हाँ जी। तो 2.5 करोड़ रुपए की राशि आपको मिलेगी, क्या करेंगे इसका? देखो अभी तक तो डिसाइड नहीं है कुछ भी किया हुआ है, क्या करना है क्या नहीं, देखते हैं अभी आगे प्रोग्राम बनाते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसका। तो आप वैसे क्या क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, प्लम्बिंग का, पेंट का काम करता हूँ। तो क्या वो काम जारी रखेंगे? काम तो जारी रखेंगे जी, ऐसा नहीं काम के बिना तो नहीं है नहीं कुछ भी, पहले भी जैसा था काम वैसे ही जारी रखेंगे काम। तो अगर बात की जाए जब ये पैसा आपके पास आएगा, किस तरह से आपको पता चला कि आपकी लॉटरी निकली और क्या रिएक्शन था आपका उस समय? देखो जी एक्चुअली मैं सही बात बताऊं तो मैंने तो ऐसा देखा नहीं था, क्योंकि पहले ही बम्पर लेता था छोड़ देता था ना ही ऐसा, मैंने तो इसका नंबर भी नहीं देखा था कितना नंबर है क्या नहीं है। उधर से खरीदा वैसे ही रख दिया, निकलेगा तो ठीक है नहीं निकलेगा तो अपना काम तो जारी है, काम तो चलता ही रहता है। इसलिए अभी परसों रोज मेरे को शाम को फोन आया उनका, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ऐसे बात की, मेरे पास नंबर भी नहीं था उनका, उनके पास नंबर था मेरा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आपका पहला नाम लगा है। एक्चुअली मैं तो था नहीं, बच्चे थे, इन्होंने फोन उठाया, इन्होंने सुना, इनको कुछ उसका मालूम नहीं चला कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, कुछ रेंज की वजह से प्रॉब्लम थी। फिर इन्होंने फिर दोबारा उसका फोन आया, फिर मैंने बात की, बोलते जी ऐसे ऐसे आपका नंबर लगा हुआ है, मैं ऊना से नंगल से बात कर रहा हूँ। मैं बोला चलो ठीक है, छोड़ दिया मैंने, फिर टेंशन नहीं ली लगा कि नहीं लगा, देखा नहीं। फिर दूसरे दिन, क्योंकि मेरे पास तो कोई था नहीं उसका प्रूफ, फिर दूसरे दिन मैंने सोचा कि वेरीफाई करके आता हूँ नंगल में। फिर नंगल गया, पेपर पे देखा, फिर वेरीफाई किया कि यही नंबर है, तो फिर थोड़ी खुशी महसूस हुई कि हाँ वाकई नंबर लग गया है। कितने साल से आप ये आपने जो है वो ली? एक्चुअली मैं 3 साल से लॉटरी डाल रहा था, कभी कभी यही दिवाली बम्पर स्टेट पंजाब स्टेट की डालते थे, ठीक है। तो उसके बाद इस बार हम पीजीआई गए हुए थे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए, तो वापसी आते वक्त मैंने नंगल तक बस मिली मेरे को, नंगल उतरेगा, फिर मैंने सोचा आगे बस पकड़नी है, तो सामने लॉटरी स्टॉल देखा, मैंने चलो देख लेते हैं किस्मत आजमा लेते हैं, दिवाली बम्पर था। सो दिवाली बम्पर 2 टिकट खरीद ली, ए सीरीज और बी सीरीज, फिर उसमें से ला के रख दी घर में, ऐसे ही नंबर नंबर भी ज़्यादा नोट नहीं किया, एक मैंने खरीदी एक बच्चे से हाथ से चॉइस की, तो एक नंबर लग गया। कौन सा लगा? ए सीरीज का लग गया, बच्चे वाली चॉइस वाला या आपके वाली? बच्चे वाली चॉइस। अच्छा हाँ जी हाँ जी। तो अब भविष्य के बारे में कुछ सोचा है, इस पैसे को बच्चों पे खर्च करेंगे या अपने बिजनेस पे लगाएंगे, ऐसा कुछ? देखो जी ऐसी बात है, अभी तो बच्चों, पहले तो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर है, फिर देखते हैं कोई बिजनेस अच्छी लाइन पकड़ते हैं, कोई अगर ज्यादा अपॉर्चुनिटी हुई तो देखते हैं कैसे बात बनती है। तो अब बधाइयां देने वालों को तांता भी लग रहा होगा। हाँ जी हाँ जी, कल शाम से फोन आ रहे हैं, जैसे ही वो उन्होंने फोटो वगैरह ली, वो एड्रेस पूरा नोट किया, ऑनलाइन कर दिया उन्होंने,
तो सभी यार दोस्तों के फोन आने लगे। मैंने तो यहाँ गांव में किसी को बताया भी नहीं, घर में भी किसी को मालूम नहीं था कि नंबर डाला भी है या नहीं डाला है, क्योंकि डालते थे ऐसे ही रख देते छोड़ देते थे। उसके बाद चेक करना, घर में किसी को मालूम नहीं था कि मैंने नंबर डाला है या लग गया नंबर, ये भी नहीं किसी को। पहले मैंने सोचा कि खुद कन्फर्म करते हैं जाके, अगर हुआ तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि फ्रॉड भी होता है, इसलिए फिर कल शाम से सभी लोगों के फोन आ रहे हैं यार। वहीं संजीव कुमार के पिता से जब बेटे की लॉटरी के बारे में पूछा गया तो वे अपने आप को रोक नहीं सके, उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े और वे दर्द भरे लफ्जों में बता रहे थे कि उन्होंने अपने बेटे को अच्छी परवरिश दी है। वे बिजली बोर्ड से रिटायर्ड है, जो पैसा मिला है उसको दोनों बेटों को दे दिया, लेकिन संजीव कुमार को विदेश में भेजने के लिए केवल एजेंट ने उनसे लाखों रुपए लेकर भी उनके बेटे को विदेश नहीं भेजा और आज दिन तक उनका बेटा मजदूरी कर अपने बच्चों का पेट भर रहा है। वे अपने बेटे को अपनी विधवा बहन को आर्थिक मदद की बात कहकर इस पैसे को संभाल कर रखने की नसीहत दे रहा है। सोच थी ठीक थी, जो काम किया नहीं कीता मेरे नाल दिन रात मेहनत की पीना, मेहनत करके इत्थे तक पुजे, चलो हुण बच्चे है अब इन्हां वास्ते ही करना सारा कुछ, और मैं भी इन्हां वास्ते की हुण तक भी कर रहा, और ये सारे काम मैंने अपने हाथों से इन्होंने दोनों काम सिखाए, बिजली का भी और चीजें। इन्होंने क्या मैं कि एक काम से गुजारा नहीं होता, दो दो तीन तीन काम करो, कोई ना कोई तो मिलेगा, कमा के खाओ, चोरी नहीं करनी, जारी नहीं करनी, जो मेहनत का है उसको खाओगे तो अच्छा होगा, भगवान फल देगा उसका। दो दफा है बार भी कि जो मेरे को मिला था ना पैसा, वो सारा बर्बाद हो गया, एजेंट खा गए, एक खाली वापस आ गए वहां से। वहीं संजीव की पत्नी की माने तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, वे काफी खुश हैं और इस पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेंगे। घर तो ऐसे ही चलेगा जिद्दा चल रही है, सब कुछ पहले तो क्या कुछ सोचा कि क्या करना है, अभी तो कुछ नहीं सोचा, बच्चे भी पढ़ाई पर लाना या पति का बिजनेस आगे बढ़ाना, पहले तो बच्चे ही है, फिर तो देखेंगे बिजनेस में। पहले क्या क्या दिक्कत आ रही है? नहीं कुछ भी नहीं, चलेगा जैसे चले वैसे ही, ठीक ही चल रहा है।